मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नया टॉपिक इस चैप्टर का, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। परमाणु जो होते हैं बेटा, ज़्यादातर वो फ्री नहीं रह सकते। ज़्यादातर जो होते हैं या तो वो अणु बना के रहते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स बना के रहते हैं, या वो आयन बनाते हैं। अब आप पढ़ोगे आयन क्या होते हैं, कैटायन भी हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं, तो मतलब परमाणु अकेले नहीं रह पाते हैं, ठीक है ना। ये बात आप समझ लीजिए, सिर्फ कुछ ही हैं जो अकेले रह पाते हैं। तो कौन रह पाते हैं और कौन नहीं रह पाते हैं, उसका आंसर आपको अगले टॉपिक में मिलेगा जब हम बताएंगे कि आयन कैसे बनते हैं और अणु कैसे बनते हैं। उससे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आए हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। पहला है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। जो परमाणु द्रव्यमान इकाई है बेटा, उसको हम बताया भी था आपको, ये 1/12 ऑफ कितना, एक एटम ऑफ कार्बन 12 के अंदर जितना मास होगा, 1 atom of carbon 12 के अंदर कितना मास होगा, उसका 1/12 कर दिया हमने, तो वो आ जाएगा आपका क्या, 1 amu, ठीक है। तो ये आ गया आपका। उसके बाद एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है, एन एटम कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज, आपको ये पता है, और उसका आंसर आपको पता है क्यों, क्योंकि एटम्स जो होते हैं वो बहुत 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 छोटे होते हैं। नैनोमीटर में आप उनकी मेजरमेंट करते हो रेडियस की, तो इसका मतलब वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनका साइज़ जो होता है वो नैनोमीटर में होता है, और नैनोमीटर बहुत छोटा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अणु। अणु जो होता है कि हमने अभी पढ़ा कि जो हमारे परमाणु हैं, एटम हैं, वो अकेले नहीं रह पाते, या तो वो अणु बनाएंगे, या वो आयन बनाएंगे, या वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अणु को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स, और आयन्स को तो आयन ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब बात करते हैं कि अणु कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो कैसे बनते हैं बेटा, पहले तो आप ये समझ लो कि कोई भी तत्व का जो एटम होता है ना, जैसे मान लो मैंने कल आपको बोला था कि एटम्स आप एटॉमिक नंबर के साथ सिंबल याद रखना, तो अब मैं उनको यूज़ करूँगी यहाँ पर, इसीलिए आपको याद करने का काम दिया था। जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का बताओ एटॉमिक नंबर कितना है, बताओ बताओ कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, उसके उस पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास इस वक्त 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी आपको और ज़्यादा डिटेल में नहीं बना सकते, अगले चैप्टर में आएगा आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बस इतना समझ लो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये बेचारा अकेला तो नहीं रह सकता, इसको कोई दूसरा जोड़ीदार तो चाहिएगा। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये आपको बात पता चली है, ठीक है। अभी अकेला नहीं रह सकता, तो इसने क्या किया, अपना दोस्त बना लिया। अपना दोस्त कौन, एक और हाइड्रोजन के पास गया, बोला चल मैं तेरे साथ दोस्ती कर लेता हूँ। अब ये दोनों साथ रह रहे हैं हमेशा हमेशा हमेशा, इसका मतलब हाइड्रोजन हमेशा H की जगह पे H2 बन के रहता है, एग्जिस्ट करता है। सुना भी होगा आपने हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस जो ये यहाँ पे बने हैं, ये कैसे बनी है, दो हाइड्रोजन एटम के मिलने से बनी है। तो परमाणु जब मिल रहे हैं तो वो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। जो अणु है ना बेटा, वो दो टाइप के हो सकते हैं, कि अणु जो बने हैं वो या तो वो उसी तत्व का हो सकता है, या वो दूसरे का हो सकता है। तो अगर उसी तत्व का होता है, जैसे हमने एग्जांपल अभी लिया था आपको H2, तो दोनों ही एटम कौन से थे, हाइड्रोजन से थे, तो ये क्या हो गया, ये हो गए तत्वों के अणु। किसके अणु हो गए, तत्व के अणु, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। और ये जो हैं यौगिकों के अणु, मैंने बताया दो टाइप के हो रहे हैं ना, एक यौगिकों के अणु और एक तत्वों के अणु। जो यौगिक के अणु हैं उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, CO2। एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन के एटम, अब दो तत्वों की आवश्यकता हुई है यहाँ पर, और जब दो तत्व मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इनको बोला है यौगिकों के अणु। अब दोबारा से मैं बताती हूँ मैंने क्या बोला तुमको, कि एटम जो है वो अकेला नहीं रह सकता, ठीक है ना। एटम को क्या बोलते हैं हम, परमाणु। अब परमाणु या तो आयन बनाएगा या अणु बनाएगा, तो जब एटम एटम मिले तो उसने क्या बनाया, एटम एक मिला और दूसरा एटम मिला, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूल। बेटा ज़रूरी नहीं दो मिले, तीन भी, चार भी, पांच भी, मतलब बहुत
एटम मिलके बना सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। अब जो ये मॉलिक्यूल है, दो टाइप के बताए मैंने, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ एलिमेंट्स, और एक मॉलिक्यूल्स ऑफ, बोला था बेटा यहाँ पर सेकंड टाइप में, कंपाउंड, ठीक है ना, यौगिकों के अणु। ये वाले हैं तत्वों के अणु। तत्वों के अंदर कैसे आएंगे, H2, O2, N2, थोड़ा समझ में आ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर। सेम एटम है, हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन के दो एटम, नाइट्रोजन के दो एटम, आयोडीन के दो एटम, इसका मतलब सेम सेम एटम कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ही तत्व से एटम है, तो इनको जो तत्वों से बने हुए हैं तो तत्वों के अणु बोला जाता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स बोला जाता है। कंपाउंड में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा तत्व होंगे। जैसे अगर इसका एग्जांपल मैं बात करूँ इस वाले का, तो इसका एग्जांपल है CO2, CO, NH3, NO2। तो ये क्या है, देखो कितने तत्व लग रहे हैं, दो तत्व लग रहे हैं ना अलग अलग, तो ये क्या हो गए, ये होंगे एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है ना, यौगिकों के अणु। तो आज हमने इतना कर लिया, ये आपको बात समझ में आ गई। थोड़ा इसमें देख लेते हैं, जैसे तत्वों के अणु के अंदर, इसके अंदर जैसे हमने बताया था, सॉरी, जैसे इसमें बताया था तत्वों के अणु का मतलब, यहाँ पर कौन है, देखो कौन है यहाँ पर, ऑक्सीजन। यहाँ पर इसने बोला कि ओजोन, ओजोन में कितने एटम मिले, तीन, तो तीन ऑक्सीजन के परमाणु ने ओजोन बनाया, दो ऑक्सीजन के मिले थे तो अब दो बनाया था। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि जो एटम है मिलके क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो उनकी परमाणुकता क्या है, किसी अणु की ना परमाणुकता क्या है। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है ये आर्गन, हीलियम, चलो हम हीलियम से शुरू कर रहे हैं, ये है हीलियम, याद करो, ये आपको याद करने के लिए बोला था, दो नंबर पे आया था हीलियम। तो ये अकेला रहता है, एग्जिस्ट करता है, अकेला खुश है, तो ये क्या है, एक परमाणु, मोनो एटॉमिक, क्या है ये, मोनो एटॉमिक, एक परमाणु, इसका अंदर एक ही परमाणु, ये आराम से अकेला रह सकता है। अभी बताएंगे आपको अकेला क्यों रह सकता है, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है ना उसमें समझ में आएगा कि आप अकेला क्यों रह सकता है, क्योंकि इसको जोड़ी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे अपने जोड़ीदार के साथ बैठे हैं, इसलिए उसको कोई जोड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए वो अकेला खुश है। जो ऑक्सीजन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीजन गैस का, याद करो ऑक्सीजन का गैस का फॉर्मूला होता है O2, तो कितने उसमें एटम्स कंबाइन किए, दो। हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2, कितने आए, दो। नाइट्रोजन N2, कितने आए, दो। क्लोरीन Cl2, दो। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है बेटा P4, तो इसमें कितने आए, चार। तो ये चतुर परमाणु, चतुर परमाणु मतलब टेट्रा एटॉमिक, चार एटम्स मिलके वो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। सल्फर, सल्फर के अंदर बेटा S8 फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे क्या आना था, अष्ट परमाणु, बहु लिख रखा है, या बहु का मतलब होता है ज़्यादा, तो अब उसको ये नहीं मतलब लिखा, ध्यान नहीं रहा कि अष्ट लिख दें, तो याद रह जाएगा बच्चों को कि आठ जो एटम्स हैं वो मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो सोडियम लिखा है, तो सिर्फ सोडियम Na की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक परमाणु। आयरन सिर्फ Fe लिखते हैं, तो एक। एल्यूमिनियम Al, कॉपर Cu, सब ये एक परमाणु है। ये बात समझ में आ गई। तो परमाणुकता क्या होती है, परमाणुकता जो होती है, ये परमाणुकता को हम इंग्लिश में बोलते हैं एटमिसिटी। क्या बोलते हैं, एटमिसिटी, जिसका मतलब होता है कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं किसी मॉलिक्यूल्स में, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, तो वो उसकी एटोमिसिटी होती है, परमाणुकता होती है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, अब क्वेश्चन है आपके लिए, बताओ पहला क्वेश्चन, तो इसको देख के ये बताओ कि ये जो अणु है वो तत्वों वाला है या यौगिकों का है। आंसर बिल्कुल सही बताया आपने, क्या है ये, यौगिकों का अणु है। दूसरी बात अब मैं पूछ रही हूँ, अब आप बताओ इसकी परमाणुकता कितनी है, परमाणुकता इसकी कितनी है वो आप कैलकुलेट कर लो। दिखाई दे रहा है ना कितने हैं, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन कितने हैं, तीन है, तो एक प्लस तीन कितने हो गए, चार। तो इसका मतलब इसकी कितनी परमाणुकता हो गई, चतुर परमाणुकता हो गई, टेट्रा एटोमिसिटी हो गई, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो अब हमने आज ये चैप्टर में कर लिया है अणुओं के बारे में, ठीक है।
तो आज इतना ही बहुत है, कल हम करेंगे आयन के बारे में, ठीक है? हम कल आयन पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है आज वाला भी और जो कल पढ़ा जाएगा वो भी। थैंक यू क्लास।